सूबे में सभी पार्टियां मिशन 2019 में जुटी हैं। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी जनादेश यात्रा कर जनता से सहयोग मांग रहे हैं। अपनी जनादेश यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे। बोकारो के सेक्टर 1 में बाबूलाल मरांडी ने सभा कर रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जेवीएम ने सूबे में भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया है, लेकिन बीजेपी हमें ही मिटाने में लगी है। सभा में बाबूलाल मरांडी ने जनता का सहयोग मांगा ताकि शिक्षित और स्वस्थ झारखंड बना सके। बाबूलाल ने कहा कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो सभी को शिक्षा और रोजगार की गारंटी मिलेगी। यात्रा में हम अपनी बात भी कर रहे हैं और जगह जगह पर संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों से भी हम बात कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि जनता के साथ मिल करके और एक खुशहाल झारखंड को हम सब लोग बना सके। अब जो भी होगा आप सब लोगों को बता दी जाएगी समय पर। हमारी पार्टी उसके कभी विरोधी नहीं रहा है। जब 2006 में पार्टी हम लोगों ने बनाई तो 2009 में पहला हम चुनाव हुआ तो हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। आगे भी जब होगा तो आप सब लोगों को बता दी। सहयोगी सुरेंद्र जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। सुरेंद्र, अब बाबूलाल मरांडी की जनादेश यात्रा है और रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, साथ ही शिक्षा और रोजगार की गारंटी भी जेवीएम दे रहा है। अगला पड़ाव उनका कहाँ है और किस तरह की तैयारियां वहां दिख रही हैं? तो बता दूं कि जिस तरह से यहाँ बाबूलाल मरांडी जनादेश यात्रा के माध्यम से पहुंचे थे बोकारो, और उनका खास तौर से कहना है कि जनादेश के यात्रा में हम जनों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात भी उनके बीच में रख रहे हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि शिक्षा अगर देश पढ़ेगा तो और पढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेंगे हम लोग। लेकिन भाजपा ने तो खुद को कहा कि हमारी पार्टी को ही मिटा दिया, क्योंकि उनके जो 6 विधायक थे उनको अपने दल में शामिल कर लेने के बाद जिस तरह से बाबूलाल का बयान आ रहा है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर जनता खुश होती और जिस 2014 में जो भाजपा ने वादा किया था अगर वो वादा पूरा होता तो आज जनता खुश होती और उनके खाते में 15 लाख रुपए चले जाते। जी, उत्साह कैसा दिखा इस जनादेश यात्रा के दौरान, आम लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला सुरेंद्र? जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों में उत्साह काफी था, चूंकि बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम 3 घंटे लेट से हुआ, उसके बावजूद भी जनता वहां जमी रही बाबूलाल मरांडी को सुनने के लिए। और जो जन आक्रोश था वहां पर हजारों हजार की संख्या में बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कई कार्यकर्ता आए थे और बाबूलाल मरांडी को सुनने के बाद ही वहां से गए। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र।